most welcome in Global Spoken English. Hello friends, I am Glamnan from Global Spoken English. और आज मैं आपको सिखाऊंगा how was your last journey, यानी कि कब आप यात्रा पर गए थे, आपकी आखिरी यात्रा कैसे थी, तो हम उसके बारे में आसानी से बात कर सके, क्योंकि हम लोग हर कहीं यात्रा सफर करते ही हैं, उसके बारे में इंग्लिश में अगर मैं बात करनी हूँ तो किस तरह से बातें करेंगे। देखिए समस्या क्या होती है, हम लोग में क्या होता है कि वर्ड मीनिंग याद हो जाता है और फिर भी हम नहीं बोल पाते हैं, या ग्रामर अगर आपको याद है फिर भी इंग्लिश आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी यात्रा के बारे में बात कर सकेंगे, बिल्कुल आसान अंदाज में है। मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग बताया था कि हाउ वाज योर लास्ट जर्नी, जिसमें 36 वर्ड मीनिंग थे, और इसमें हम आपको कोई टॉपिक बताने वाले हैं। सपोज आप यात्रा करने वाले हैं लखनऊ से आप आगरा गए थे, तो यात्रा कैसे आपकी हुई थी, कम्प्लीटली इंग्लिश में बात करना चाहते हैं हम, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में कि इसमें और आपको बता दूँ कि इसमें जो ग्रामर हमारा अक्सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होने वाला है, बिकॉज आप कोई भी पास्ट की बातें करते हैं तो मोस्टली आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूतकाल का ग्रामर प्रयोग होता है। तो चलिए मैं आपको एक मिनट में उस ग्रामर को समझा देता हूँ कि अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान क्या है कि वह क्या तुम में आ था ई थी ए थे या आ ई ए आए, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर सब्जेक्ट अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में यानी बात हाँ में, तो क्या करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट लाने के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म करने वाले, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट आपको सेकेंड फॉर्म ही कहना है। जैसे कहना है कि वो मुंबई गया था, ही वेंट टू मुंबई। मैं क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। अगर नेगेटिव कहना है तो सब्जेक्ट आपको चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड नॉट कहना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो मुंबई नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू मुंबई, और मैं क्रिकेट नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा कमेंट में आप मुझसे पूछिएगा, हम आपको उसे जरूर बताएंगे। तो जैसे आप क्लास में हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय रिस्पेक्टेड टीचर हु गेव मी अ गोल्डन चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। माई नेम इज एक्स वाई जेड। यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया है, आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पे अपना नाम कह सकते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग फ्रॉम ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। टूडे आई विल टॉक अबाउट द बेस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ। एज यू नो दैट जर्नी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। I traveled last month for Agra. I got up in the morning at 6 o'clock. After that, I got ready for going station. I went at taxi stand and I hired the taxi. I left for Lucknow station at 9 o'clock and I reached there at 10 o'clock. My friend told me that we should go fast, otherwise we will miss our train. I paid the fare, then we entered. I saw that some people were sitting on benches. Some people were standing. A vast crowd was waiting for the train. Then I went to ask about train. I asked that when will come our express. He told me that it will come after 2 hours. So I and my friend went at the shop and we bought samosa and we ate it. My friend did not eat samosa because he does not like samosa, and we went in waiting room and we took rest there around 2 hours.
My friend told me that our train is coming. So I picked up my luggage and I came on platform number 2. When train stopped, I and my friend boarded the train. And train stopped there 2 minutes. First of all, we looked for our seats and we occupied, and there was a harsh noise in the compartment. A man was selling coffee. I told him, please give coffee. We took coffee. After that, we discussed current affairs in English. I met a foreigner in my coach. I talked to him in English for a long time. I asked him, how can I speak English like a native speaker? He told me that you should watch English movie and you should try to talk to different people. I told him, thank you for the suggestion. And I shook hand with him. My friend called me and he asked me, when will you reach at Agra station? I told him, I will reach there after 1 hour. He said to me that I will be there. We arrived at Agra the next morning. I got down with my friend, and my friend Raju received us at Agra station, and we went at Raju's home. We stayed there one day, then we caught a train in the morning and we reached in the evening Lucknow, and our journey came to end. We learned a lot of things from this journey. It was remarkable and exciting. Thank you for listening to me. Have a nice day.